बॉलीवुड सितारे जिनकी शादी के बाद भी चले लव अफेयर। शाहरुख खान, वैसे तो ये अपनी पत्नी के साथ ही देखे जाते हैं, पर देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा ने किंग खान का ईमान ही डगमगा दिया। डॉन 2 की शूटिंग के वक्त शाहरुख खान अपनी को स्टार प्रियंका को अपना दिल दे बैठे और दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगी। शाहरुख को प्रियंका की खूबसूरती पर दिल आ गया, पर जब इन दोनों की नजदीकियों के बारे में गौरी खान को पता चला तब शाहरुख ने प्रियंका से दूरियां बना ली। गौरी ने अपने सभी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर दोस्तों से प्रियंका को काम न देने की बात भी की, जिसके बाद कई साल तक प्रियंका को कोई फिल्म नहीं मिली। शाहरुख ने कभी भी इस रिश्ते के बारे में खुलकर बात नहीं की, पर हाल ही में एक शो में प्रियंका ने एक जैकेट दिखाते हुए बताया कि ये जैकेट उनके एक्स बॉयफ्रेंड की है, वो जैकेट और किसी की नहीं शाहरुख खान की थी। आमिर खान, लगान की शूटिंग के दौरान आमिर खान को फिल्म की असिस्टेंट डायरेक्टर किरण राव से प्यार हो गया और काफी टाइम तक दोनों का अफेयर चला, जिसके बाद आमिर ने रीना दत्ता से अपनी 15 साल की शादी तोड़ दी। यही नहीं, गुलाम की शूटिंग के दौरान आमिर की विदेशी जर्नलिस्ट जेसिका हाइंस के साथ भी अफेयर चला, जिसके बाद जेसिका प्रेग्नेंट हो गई और आमिर ने उनसे बच्चा गिराने को कहा, पर जेसिका नहीं मानी। आमिर ने इन सब बातों का झूठ बताया और बच्चे को अपनाने से मना कर दिया। आज वो बच्चा 18 साल का हो गया है और उसका नाम जेसिका ने जॉन रखा है। अक्षय कुमार, बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार को असल जिंदगी में भी लड़कियों के दिल के साथ खिलवाड़ करने का शौक है। अक्षय कई बार अपनी गर्लफ्रेंड को धोखा देते हुए पकड़े गए हैं, जिसके बाद इनकी शादी होती होती टूट गई। शादी के बाद भी इनके अंदर कोई बदलाव नहीं आया। एक बार अक्षय कुमार के प्रियंका के साथ अफेयर की खबरों के बाद अक्षय और ट्विंकल खन्ना की शादी खतरे में पड़ गई थी, जिसके बाद ट्विंकल ने अक्षय को प्रियंका के साथ फिल्में न करने का अल्टीमेटम दिया। अक्षय ने शादी बचाने के लिए अपनी पत्नी की बात मान ली और आगे कभी प्रियंका के साथ कोई फिल्म नहीं की। ऋतिक रोशन, सारी दुनिया से लड़कर ऋतिक ने अपने बचपन के प्यार सुजैन खान से शादी की थी, पर इनका प्यार इतना मजबूत नहीं निकला और ऋतिक ने सुजैन को धोखा दे दिया। क्रिश 3 फिल्म की शूटिंग के दौरान ऋतिक को कंगना रनावत से प्यार हो गया और दोनों की अफेयर की खबरें आने लगी। कंगना ने खुल के सबको बताया कि वो ऋतिक के साथ रिलेशन में थी। इन सब खबरों के चलते जल्द ही ऋतिक का तलाक हो गया, जिसका भुगतान उनको अपनी पत्नी को 380 करोड़ देकर करना पड़ा। अब ऋतिक अपने से 17 साल छोटी लड़की सबा के साथ रिलेशनशिप में है। अजय देवगन, बहुत कम लोग जानते हैं अजय और कंगना रनावत का अफेयर रह चुका है। फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई की शूटिंग के दौरान ये दोनों काफी करीब आ गए। इन दोनों की नजदीकियां इतनी बढ़ गईं कि अजय ने कंगना का नाम अपनी फिल्म रास्कल के लिए दिया और इसके बाद कंगना को साइन किया गया। पर जब इनके अफेयर की खबरें काजोल तक पहुंची तब शादी टूटने के डर से अजय ने कंगना से दूरी बना ली। अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन के उसूलों को भी प्यार ने डगमगा दिया। अमिताभ और रेखा के रिश्ते के बारे में लगभग सभी जानते हैं, ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, पर अमिताभ के शादीशुदा होने की वजह से ये कभी कह नहीं पाए। पर माना जाता है कि मुंबई में सबसे छुपकर इन दोनों ने शादी की थी और रेखा आज तक अमिताभ के नाम का सिंदूर लगाती है। पर जब जया बच्चन ने अमिताभ को तलाक देने से इनकार कर दिया तब रेखा और अमिताभ का रिश्ता खत्म हो गया। घर वाली बाहर वाली के इस खेल की कीमत कई अभिनेताओं को अपना घर तोड़कर चुकानी पड़ती है। प्यार की मिसालें देने वाले ये एक्टर्स खुद अपनी पत्नियों को धोखा देते पकड़े गए। तो दोस्तों, आपका इन अफेयर्स को लेकर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।